देखिए डेमोक्रेसी है, सब बातें चलती है, विरोध है या नहीं है इस बात का नहीं देखा जाता। प्रजातंत्र है, एक एक्सरसाइज होगी, पार्टी के कैंडिडेट्स आएंगे, जिसका जहाँ चाहेगा दिल डाले वोट डालेगा। आपके उम्मीदवार को पैराशूटिंग उम्मीदवार बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मीडिया का अपना आकलन हम तो नहीं मानते, मेरे सामने लड़ा था कैंडिडेट था, पहले दो इलेक्शन मेरे सामने भी लड़ा है, ऐसा नहीं है। उम्मीदवार है, जिले का है, पैराट्रूपर तो नहीं कह सकते। देखिए मुझे इस बात से मतलब नहीं, मैं जब गया लोगों से पूछे गया, सारे आप वहीं थे, पूछ के भाई कहाँ जाऊँ, लोगों ने कहा कि आप बीजेपी के साथ जाओ, मैं गया हूँ लोगों से पूछ के गया, पाँच साल पहले मदद करें, मुझे इस बात से लेना देना नहीं कौन कैंडिडेट है, मैं बीजेपी के साथ हूँ, मदद कर रहा हूँ। तो आपकी सपोर्ट रहेगी पूरी, बिल्कुल पूरा मन से करूँगा, जी जी आम से करूँगा, कोई नहीं, हमने जीवन में सदा ही विरोध और सब कुछ देखा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस उम्मीदवार के साथ हूँ उसकी मदद। क्या मुद्दे लेकर जाओगे जो साथ लोगों के बीच में इलाहाबाद के अंदर जाओगे? आपका तो कोई वोटर है नहीं, जब वहाँ आएंगे तो कह देंगे, वो भी सवाल पूछेंगे, हम कहेंगे जवाब। तो किसान आंदोलन तो बड़ा मुद्दा रहेगा रहने वाला इस चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए अलग अलग मुद्दे आएंगे चुनाव में, सारी तरीके के मुद्दे उठेंगे, लोग हैं उनका अपना अधिकार है, खुले सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे, उनका हक बनता है, हमारा जवाब देने का हक बनता है। कांग्रेस अपना उम्मीदवार है जो अभी देरी से उतार रही है। देखिए कांग्रेस भी अपना करेगी, फैसला हो गया होगा नहीं आज हो जाएगा, उनका भी होना ही है, उम्मीदवार तो सब पार्टीज के आएंगे। प्रजातंत्र का अच्छी परंपरा है कि कैंडिडेट्स आए और जिसका जहाँ दिल करे वोट डाले, हम अपना कंपेन करेंगे, वो अपना कंपेन करेंगे। जैसा पिछले वाला मुद्दा भी बन रहा है, जिस तरह 2019 के अंदर गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लिया था बीजेपी ने और अब की बार टिकट दे दिया। देखिए हाईकमांड जाने, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, पार्टी की मदद कर रहा हूँ, ये बीजेपी पार्टी का निर्णय कैसे, निर्णय में मैं तो बीच में था नहीं, क्योंकि अलायंस में मैं, हम साथ हैं मेरे जो उनके साथ हैं तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे जो पार्टी कोई फैसला करेगी, जो ज्वाइंट बीजेपी और जेजेपी का फैसला होगा मैं उसमें मदद करूँगा।